Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the five elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. नमस्कार लिसनर्स, आप सभी ट्यून्ड इन है रेडियो जिंदगी 1550 एम यहाँ पे 99.7 एफएम एचडी 3 पे। ये जो बैकग्राउंड में आप भजन सुन रहे थे, ये जो ट्रैक सुन रहे थे, दिस इज कॉल्ड शिव शंभो शंभो। इट इज अ वेरी पॉपुलर भजन बाय ऋषि नित्य प्रज्ञा एंड दिस इज एन आर्ट ऑफ लिविंग सत्संग। क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, काफी लोग मैसेज भी कर रहे थे कि ये कौन सा ट्रैक है, कितना अच्छा लग रहा है। सो फॉर अ चेंज दिस इज आर्ट ऑफ लिविंग सत्संग में आप ढूंढ सकते हैं इसे। वेल, आप सब ट्यून रेडियो जिंदगी पे। दिस शो इज कॉल्ड डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी। 2 से 3 बजे के बीच में हमारे साथ में जुड़े थे अभी तक रितेश कुमार जी, तो ही इज अ वर्ल्ड रिनाउंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट। खैर, फिलहाल वो तो ऑन एयर नहीं है, लेकिन अगर आप उनसे बात करना चाह रहे थे और न कर पाए, तो अब आप उन्हें उनके सेल फोन पे डायरेक्टली फोन कर सकते हैं। उनका नंबर है 5109313107, 5109313107। अब समय हो चुका है 3:15 बज रहे हैं स्टूडियो क्लॉक में, और हमारे साथ में जुड़ती हैं इस समय डिवाइन वास्तु की रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट हु होल्ड्स अ पीएचडी इन वास्तु एंड हैज ओवर 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। इंडिया में महागुरुओं के साथ में उन्होंने पढ़ाई की है इसी फील्ड में, इसी साइंस में। इवन आई से साइंस, मैं जरूर ये आपको बोलना चाहूंगी कि वास्तु एक आर्ट नहीं है, वास्तु इज अ कैलकुलेटेड साइंस। बहुत गहन इसकी स्टडी होती है और बहुत ज्यादा इसमें मेहनत लगती है, काफी पढ़ाई करनी पड़ती है बहुत इसको। इट ओनली कम्स विद एक्सपीरियंस, और ये एक्सपीरियंस लेके आती है हमारे लिए रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट। और कोई भी सवाल अगर आप उनसे पूछना चाहते हैं, कोई भी बात उनसे करना चाहते हैं, स्टूडियो पे तो होती ही हैं वो, लेकिन डायरेक्टली अगर आप उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहें तो आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एक नए घर के लिए, या एक एग्जिस्टिंग बिल्डिंग के लिए, एक वर्क प्लेस के लिए, एक फैक्ट्री के लिए, या मोटेल के लिए, होटल के लिए, लिकर स्टोर या फिर कन्वीनियंस स्टोर। शी ट्रेवल्स ऑल ओवर द यूएस, बड़ी बड़ी कंपनीज के लोग उन्हें बुलाते हैं अपने ऑफिस, अपनी कंपनीज, अपनी बिल्डिंग्स देखने के लिए, वहां पे विजिट करने के लिए, वास्तु कंप्लायंट बनाने के लिए। माने या न माने, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी वाले बोलते हैं कि एरा बहुत ज्यादा टेक्निकल हो चुका है, इट इज ऑल वेरी कंप्यूटर फ्रेंडली, बहुत एडवांस हो चुका है, बट ये चीजें बेसिक्स हैं, जहां अगर आपकी बेसिक्स में कुछ गड़बड़ होती है तो एडवांसमेंट कैसे हो सकती है। इसीलिए रेवा जी से आप बात कर सकते हैं 5108683338। ये है रेवा जी का डायरेक्ट नंबर 5108683338। और अगर आप रेवा जी से स्टूडियो में बात करना चाहते हैं तो रेवा जी हमारे साथ 4 बजे तक जुड़ी हैं 5107701550। दैट्स 5107701550 इज द स्टूडियो नंबर। आप फोन कर सकते हैं, रेवा जी से बात कर सकते हैं। शी इज हियर इन द स्टूडियो विद अस। रेवा जी, जय माता दी। जय माता दी ईरा, और सभी लिसनर्स आपको भी प्यार भरा नमस्कार, ढेर सारी जय माता दी। और जीवन यूं ही आगे बढ़ता जाए खुशियों के साथ, आप सबके, आपके पूरी फैमिलीज के लिए, परिवार के लिए। होली आ रही है, होली के रंग आपके जीवन में चारों तरफ से, कहते हैं ना कि सतरंगी इंद्रधनुष बन के आपके जीवन में जाएं। और याद रखिये, ये रंग एक ऐसे रंग होते हैं कि
कहीं पे भी कोई भी इंसान, जैसे कहते ना कि रितेश जी जिक्र कर रहे थे कि डेट ऑफ बर्थ के, बर्थ के बिना, नंबर्स के बिना कहीं पे भी लाइफ में कुछ नहीं है, स्टार नहीं होती, नेम्स के बिना कुछ नहीं है, उसी तरह रंगों के बिना भी आदमी बेरंग होता है। तो हर जीवन में हर तरह का रंग होता है, खुशियों के रंग भी होते हैं, कभी दुख के रंग भी आते हैं, पर रंगों के बिना हम कुछ नहीं। तो आपका जो जीवन है, मैं यही चाहूंगी इंद्रधनुष की तरह इन्हीं सातों रंगों के साथ जुड़ा रहे। बिल्कुल रेवा जी, और वास्तु में आप कई बार बताती हैं कि कलर थेरेपी बहुत ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कलर थेरेपी एक अच्छे माहौल के लिए, एक अच्छे वातावरण के। कई बार आप जैसे बताते हैं कि काला रंग बहुत ज्यादा बच्चों के लिए या लाल रंग डोमिनेट नहीं करना चाहिए, तो आज इसी बारे में कुछ और बताएं। बिल्कुल, सबसे पहले तो लिसनर्स ये याद रखिए कि वास्तु एक साइंस है, दिस इज इंडियन एंशियंट आर्किटेक्ट साइंस, जो शुरू से चल रही है। आज से 5000 साल पहले भी ये थी और किताबों में दो में सब कुछ लिखा हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर में स्टडीज की गई जी। लेकिन आज भी जो भी हम आपसे डिस्कस करते हैं, प्रिंसिपल्स वही है, कॉन्सेप्ट आज भी वही है। वो प्रिंसिपल्स, वो कॉन्सेप्ट कहीं पे भी कुछ चेंजेस नहीं लाए गए। हाँ, क्या किया गया है कि कई बार जो रेनोवेट नहीं कर सकते, क्योंकि इट्स वेरी हार्ड, आज हर कंट्री में देखो या कई बड़े बड़े मेट्रो सिटीज भी देखो, कहीं पे भी देखो कि इस तरह से घर बन चुके हैं जो कि पॉसिबल नहीं होते हमारे इरा तोड़फोड़ करने के लिए या चेंजेस करने के लिए या कुछ करने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं उसकी। तो कई बार क्या होता है कि लोग जैसे ही वास्तु का नाम सुनते थे पहले समय में तो घबरा जाते थे, अरे वास्तु है, पता नहीं क्या करना पड़ेगा, तोड़ फोड़ करके दोबारा बनाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। आप बिल्कुल, बहुत आज हमारा साइंस आज बहुत चली गया, आजकल हाईटेक बढ़ रहा, चीज बदल चुकी है। प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट पहले भी वही थे, आज भी हैं, परंतु कुछ चीजों को ऐड कर दिया गया है। तो उसी के बीच में एक कॉन्सेप्ट हमारा आता है कलर्स का भी। जी हाँ, कलर्स थेरेपी बहुत जरूरी होती है। जैसे कि रितेश जी जिक्र कर रहे थे कि इंडिविजुअली आपके प्लैनेट्स एस्ट्रोलॉजी को देखकर वो अगर आपको कोई कलर थेरेपी लिसनर्स बताते हैं कि स्टोन्स के साथ में लेके जी, तो हम भी इसी तरह से आपको बताती हूँ। क्यों, आप वास्तु देखें, जब आप देखेंगे कि हम आपको कहते हैं कि स्क्वेयर या रेक्टेंगल हाउस होना चाहिए, अगर स्क्वेयर या रेक्टेंगल लेंगे तो ईस्ट से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, जबकि वास्तु का जो मैग्नेटिक जो कंपास देखते हैं दैट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ। अगर आप मैग्नेटिक कंपास को हाथ में लेके आप घर के सेंटर में खड़े हैं और तो देख रहे हैं कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, मतलब कि हम अपने घर से बाहर वर्ल्ड में जा रहे हैं जी। आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप दूसरी तरफ जा रहे हैं ना जी, वहां हम कौन से वर्ल्ड में जा रहे हैं, वो वर्ल्ड कौन सा है, नॉर्थ की तरफ जाता है। अब हमारी जो सन रोटेशन स्टार्ट होती है वो हम ईस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं जी। तो कभी आपने ये देखा है लिसनर्स कि जैसे ईस्ट की तरफ से सूरज जब सुबह नॉर्थ ईस्ट से जाकर ईस्ट में बाहर आपको दिखाई देता है सूर्य, जब वो घूमता 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 जब वो लास्ट एंड में जाके नॉर्थ वैसे नॉर्थ में पहुंचता है तो उसकी क्या पोजीशंस होती हैं। तो हमारे जीवन के रंग भी इसी तरह से जुड़े हुए हैं। जीवन के रंग कहना चाहूंगी कि वास्तु के जो रंग है, अगर आप देखें, आपने ये वर्ड सुना हुआ है लिसनर्स, विपजोर जी, हर किसी ने चुना है, ये हमारे सतरंगी इंद्रधनुष से जुड़ा हुआ है जी। अब जैसे कि विपजोर है, विपजोर के बीच में अगर आप लेंगे वी, जिसको हम लेते हैं वायलेट, आई इंडिगो, इंडिगो बी ब्लू, तीन वर्ड्स दे दिया मैंने आपको जी, आई बी जी, उसके बाद में आता है ग्रीन जी जी जी, बाद ग्रीन के बाद में आता है वाई और येलो, ओ ऑरेंज एंड आर रेड जी। नाउ यू लिसन केयरफुली लिसनर्स, जब आप नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, इफ यू आर फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, अपने घर का मैग्नेटिक में कहीं पे भी नॉर्थ को ले लीजिए, जब आप नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो आपका राइट हैंड की तरफ से कहां से जी से स्टार्ट करेंगे तो आपका क्या आ जाता है, दैट इज वाई ओ आर, मींस कि वहां पर हमारे को डार्क कलर्स चाहिए। डार्क कलर्स क्यों चाहिए, क्योंकि आपने देखा है कि जैसे जैसे सूरज ईस्ट से निकल रहा है वहां की तपिश हो जाती है जी, शाम होते ही ठंडक होनी शुरू हो जाती है। तो जब शाम को जब हमारे आपके पास में से जहां से रेड कलर आर के बाद में अगर आप आएंगे, जो आपके नॉर्थ की तरफ जब लेफ्ट साइड में आएंगे तो वहां पे हमारे को लाइट कलर्स चाहिए। सबसे पहले ये आप हमेशा अपने ध्यान में रखिए कि इफ यू आर फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ फ्रॉम द सेंटर ऑफ योर हाउस, तो आपको क्या करना है, राइट हैंड वाला हाफ आपका डार्क कलर्स में आना चाहिए और लेफ्ट हैंड वाला जो आपका वहां पे लाइट कलर्स आने चाहिए जी। अब कलर्स क्या है,
किसी वजह से हम नहीं चेंज कर सकते हैं, जैसे कि बेडरूम्स है नहीं चेंज कर पाए या हम किचन नहीं चेंज कर पाए, रेंटल यूनिट्स में रेंटल अपार्टमेंट में नहीं पेंट कर सकते, बिल्कुल नहीं पेंट कर सकते हैं। साउथ ईस्ट में अगर चलिए आपका बेडरूम आ गया जो फायर एलिमेंट है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी लेकर आता है। अगर आप साउथ ईस्ट में सो रहे हैं, वहां पर आपका ब्लैक कलर का रंग कर दिया या आपने ब्लैक फर्नीचर लगा दिया या आपने रेड कलर का पेंट कर दिया, रेड कलर का कर्टन्स दे दिया, तो वो फायर को और ज्यादा बढ़ा रहा है जी, उस फायर एलिमेंट को। तो मैं आपकी वहां पे क्या, डिवाइन वास्तु हेल्प करता है? डिवाइन वास्तु कहीं सन की रोटेशन को चेंज नहीं कर पाता, नहीं कर सकता है वो, लेकिन वो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन करने में हम आपकी हेल्प करते हैं जी। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में जो आप डिवाइन टूल्स ले सकते हैं, किसी कारणवश आप कहते हैं कि नहीं मैं डिवाइन टूल्स नहीं ले रहा हूं या मैं सिंपल वे से करना चाहता हूं, या अगर आपके दिमाग का एक फियर है, आप जाना चाहते हैं ओ लेट मी सी पहले मुझे इससे फर्क आता है कि नहीं आता। कई बार हम ये भी सोच लेते हैं, एक ह्यूमन बींग या हर किसी की थोड़ी मेंटेलिटी होती है। तब आप क्या करेंगे, अगर आप साउथ ईस्ट में सो रहे हैं और आपने बेड को डायरेक्शन चेंज कर देना है साउथ की तरफ, लेकिन साउथ ईस्ट जब आप देखेंगे तो विप जोड़कर ये हमारा डायरेक्शन चेंज हो जाता है, हीट की तरफ जा रहा है, यहाँ पे अब रेड कलर तो नहीं दे सकते लेकिन यहाँ पर हम पिंक कलर दे सकते हैं जी। रेड और व्हाइट का जब टोन मिक्स कर देंगे तो पिंक कलर कर देंगे। पर्टिकुलर आप एक वॉल ले सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाइए, आप जहां कहते हैं कि नहीं मैं तो पेंट भी नहीं करने को तैयार हूं, अगर आप पेंट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वहां कर्टन लगा दीजिए। कर्टन नहीं लगा सकते हैं तो आप वहां पे कंफर्ट्स को लेके आ जाइए, शीट्स को लेके आइए, पर्टिकुलर कुशन्स लगा दीजिए। पर्टिकुलर यू हैव टू गिव कलर, वहां की इन्हेंसमेंट देनी है आपको उस कलर को, उस कलर थेरेपी से पूरा आपको फायदा उठाना है। तो अब विप जोड़ के हिसाब से अगर देते हैं तो VIB, वी हमारा चला जाता है वॉयलेट, ई हमारा इंडिगो, ब्लू हमारा ब्लू, ये हमारा एक साइड में लेफ्ट की तरफ में चला गया, दूसरी तरफ हम आ जाते हैं YOR, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड, हमने एक साइड में दे दिए, छह कलर दे दिए, बीच में हमारा सेंटर आ गया ग्रीन। ग्रीन अब ग्रीन हमारा सेंटर किधर जा रहा है, हमने नॉर्थ की तरफ ले लिया। तो जहां पर अगर हमारा नॉर्थ की तरफ में अगर एंट्रेंस डोर है, अगर आप नॉर्थ का ग्रीन कलर का पेंट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, या व्हाइट कलर का भी पेंट कर सकते हैं, इसका सब्स्टिट्यूट ले लेंगे जी। अगर किसी कारणवश आप ग्रीन पेंट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट रेड और ब्लैक तो बिल्कुल नहीं करें जी। अगर आप ये सोचते हैं कि कोई और आपके पास पे नहीं ऑप्शन है तो एटलीस्ट आप जो डोर मैट है वो ही ग्रीन कलर का बिछा देंगे तो वो भी आपको बहुत फायदा देगा जी। जहां पर हम देखते हैं कि अगर साउथ ईस्ट हमारी एंट्रेंस आ रही है तो वहां पर हम जरूर कहते हैं कि आप व्हाइट कलर का या सिल्वर कलर का बिछा दीजिए। और जहां साउथ ईस्ट स्टेयर्स के नीचे से अगर साउथ ईस्ट का पोर्शन मिल रहा है तो पर्टिकुलर वो फायर एलिमेंट है, और वहां पे अगर किचन नहीं है तो क्या होता है कि कई बार चोट या एक्सीडेंट होने का डर लगता है जी। तो पर्टिकुलर आप उस स्टेयर्स के नीचे उस एरिया में भी अगर आप येलो कलर का मैट बिछा देंगे तो आप उस एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं जी। तो अब आपको क्या करना है, स्टार्ट करेंगे हम नॉर्थ से। नॉर्थ को अगर आप कलर देना चाहें तो आप जरूर दे सकते हैं ग्रीन कलर, दे सकते हैं ग्रीन कलर कर सकते हैं, सी ग्रीन कलर बिल्कुल अच्छा है वो भी आप कर सकते हैं, इसके साथ साथ में व्हाइट कलर भी दे सकते हैं। नॉर्थ से जैसे ही चले तो अब हमारे पास में आ जाता है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर आता है, जिसको हम पूजा की प्लेस भी कहते हैं जी। अगेन यू हैव टू अवॉइड द रेड कलर एंड ब्लैक कलर इन पर्टिकुलर दिस रूम ऑल्सो। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप पूरा नॉर्थ ईस्ट में पूरे रूम में नहीं भी कलर करना चाहते लेकिन आप उसकी एनर्जी को, उसके वास्तु डिफेक्ट को दूर कर सकते हैं, अगर एटलीस्ट नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को ही जो पूजा की जगह है बिल्कुल आप उसके पीछे ही अगर वहीं पे ही आप सेफ्रन कलर का कलर दे दीजिए, कोई ना कोई वहां की डोमिनेट करने दीजिए वॉल सेफ्रन कलर का, सेफ्रन कलर का कर्टन लगा के दे दीजिए, बट नॉट थिक, लाइट कलर का होना चाहिए। जैसे ही नॉर्थ ईस्ट से आप ईस्ट की तरफ निकल आए तो ईस्ट कलर में आप कहीं पे भी लाइट कलर का ऑरेंज शेड जो सनलाइट एनर्जी देखो ले सकते हैं वहां ले सकते हैं जी। प्लस वहां पे ग्रीन कलर भी हम ईस्ट की तरफ ले सकते हैं, लाइट ऑरेंज कलर भी ले सकते हैं, लाइट ग्रीन भी ले सकते हैं जी। साउथ ईस्ट में आ जाइए, अगर साउथ ईस्ट में आपका किचन है तो वहां पर मैं जरूर आपको कहूंगी कि ऑफ व्हाइट कलर का दे दीजिए, लेकिन याद रखिए पूरे घर का एटलीस्ट वॉल और सीलिंग कलर हमेशा अलग होना चाहिए। अच्छा, कभी भी सेम नहीं होना चाहिए। जहां वॉल और सीलिंग कलर सेम होता है तो उसको हम बिल्कुल बहुत वास्तु डिफेक्ट मानते हैं, वो आपके
पैसे से करियर से जुड़ा हुआ है, जहां आप देखेंगे कि आपकी एग्जिस्टेंस खुद की खत्म हो जाती है। कई बार कहते नहीं है कि घर में मेरी तो एग्जिस्टेंस नहीं है, लेडीज कह देंगी या मेल्स कह देते हैं, वो मेरी तो कोई सुन नहीं रहा, या बड़े छोटे कह देते हैं। मीन्स टू यू गेट योर ओन पहचान, अपनी पहचान के लिए आपको क्या करना है, वॉल और सीलिंग कलर आपका हमेशा इरा अलग अलग होना चाहिए। जी, जब साउथ ईस्ट में आ जाते हैं, अगर साउथ ईस्ट में मास्टर बेडरूम है या साउथ ईस्ट में बच्चों का बेडरूम है, जिसको हम हमेशा कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर किसी कारण वश आप नहीं चेंज कर सकते, तो एटलीस्ट आपको क्या करना है, अगर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेट करने की हेल्प चाहते हैं वो लीजिए, साथ ही साथ वहां पर आपको क्या करने का कि लाइट शेड दे दीजिए, लाइट सॉफ्ट पिंक कलर दे सकते हैं, सिल्वर कलर दे दीजिए। आप व्हाइट कलर के कर्टन्स जिसके ऊपर में पिंक कलर के फ्लावर्स हो आप वो लगा सकते हैं, आप कम्फर्ट्स यूज कर सकती हैं, मीन टू काम दैट एरिया, उसको कामनेस देने के लिए वो कलर थेरेपी आपको बहुत कम आएगी, या लाइट पिंक कलर के आप कुशन्स उस रूम में लेकर आ जाइए, That will help you. जी. इसके साथ साथ अगर आप क्रिस्टल पिंक कलर का लोटस रखते हैं, ये भी आपको बहुत हेल्प करता है। पर्टिकुलर साउथ ईस्ट कॉर्नर के बीच में जहां पे लाएंगे, वो पिंक कलर का लोटस स्पेशली साउथ ईस्ट बेडरूम वालों के लिए ज्यादा पावरफुल रहता है, जो आपको एक रिलेशन में और एक आपको हेल्थ इश्यू से बचा कर लेकर आता है। जो बेवजह हमारे घर में कई बार आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि हम तीन तरह के क्रिस्टल्स, लिसनर्स याद रखिए, काउंट करते हैं। सबसे पहला व्हाइट क्रिस्टल लेते हैं, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, जिसको हम फैसिनेटेड बोलते हैं, दैट्स वेरी गुड, अगर आप उसको लाइट्स में हैंग करें। सेकेंड क्रिस्टल हम लेते हैं, जो लोटस में पिंक कलर का क्रिस्टल ले सकते हैं, दैट इज गुड फॉर योर हेल्थ एंड द रिलेशन। एंड थर्ड इज द एमिथिस्ट क्रिस्टल, जो हम आगे यूज करेंगे कि कहां यूज कर सकते हैं। तो तीन तरह के, तीन ये रंग थेरेपी आपको काफी हेल्प करते हैं। वहां से आ जाते हैं हम साउथ, साउथ अब हम इसको कहते हैं मार्स का है, रेड कलर का, रेड कलर। लेकिन साथ ही साथ हम आपको ये एडवाइस करते हैं कि रेड कलर आप डार्क नहीं यूज करेंगे, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट वहां पर पर्टिकुलर उस पोर्शन के ऊपर में आप कोई रेड कलर का पेंटिंग लगा सकते हैं। आप वहां पे रेड कलर को करने के लिए नीचे साथ में कुछ ब्राउन टोन लेकर आप कुछ ना कुछ कर्टन्स बना सकते हैं। जी। साथ ही साथ वहां की एनर्जी को करने के लिए अगर आप कुशन्स लेना शुरू करें, या सब में डेकोरेशन पीसेस अगर कुछ रेड को जो डोमिनेट कर रहे हो उनको ले सकते हैं, लेकिन रेड कलर के बेड कवर्स या बेडशीट्स आप नहीं यूज करेंगे साउथ में। वहां से आते हैं नेक्स्ट साउथ वेस्ट, जो पर्सनल बेडरूम के लिए हम स्पेशल एडवाइस करते हैं। अगर आप इस कलर में लेना चाहते हैं तो साउथ वेस्ट वॉल को जरूर ध्यान दीजिए, यहां पर आप एमेथिस्ट यूज कर सकते हैं, यहां पर आप कह सकते हैं कि ऑरेंज येलो कलर को, और जहां पर साउथ वेस्ट में आपकी जहां वॉल है, जहां पैसा रखने की जगह हम आपको कई बार बताते हैं, पर्टिकुलर दैट वॉल शुड बी पेंट इन येलो पेंट, उसको जरूर पेंट करिए, या उस लॉकर को आप येलो कलर का पेंट करके रखिए, ताकि वहां की एनर्जी को, अर्थ एलिमेंट को आप लेके जा सकें। जी। नेक्स्ट आपके पास में आ जाता है वेस्ट, जो आपके पास में है। अब वेस्ट सो इज रिलेटिव विद द सैटर्न, अब ये तो है नहीं कि वहां पर आप ब्लैक पेंट कर देंगे या आप ग्रे करेंगे, तो दैट यू हैव टू अवॉइड इट, परंतु आप उसको ले सकते हैं कोई बेज कलर लेके, बेज कलर लेके आप उसकी एनर्जी को भी फायदा उठाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है नॉर्थ वेस्ट, दैट इज रिलेटेड विद द मून प्लैनेट। अब यहाँ पे पर्टिकुलर आपको क्या करना है, आप कोई भी ऑफ वाइट कलर की चीज को लीजिए, किसी भी किस्म के ऑफ वाइट को, ऑफ वाइट जैसे कि ले सकते हैं चंद्रमा का कलर आपको देना है जी, या आप इसके साथ में हल्का अगर देना चाहें तो हम लाइट सा ऑफ वाइट के साथ में जैसे अनियन शेड होता है उसको भी ले सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में दैट्स अ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट जी उसको लेंगे हम उसको। लेकिन ये जो कलर्स हैं, ये कलर्स पर्टिकुलर आपको उन्हीं रूम्स के साथ में स्टार्ट करने हैं जी। तो याद रखिए कि क्योंकि अब जो नॉर्थ ईस्ट में मैं आपको जो ये कलर्स दे रही हूँ उसका फायदा क्या क्या है, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो इसका असर होता है। अगर हम इसको वायलेट कलर को लेते हैं, दैट इज अ बींग जिसे कूल है, मॉइस्ट है, और ये आपको एक प्रॉपर स्टेबिलिटी देता है, ठंडा करता है, तो दैट कैन बी यूज इन द नॉर्थ ईस्ट ले सकते हैं। इवन कि अगर कहीं पे स्विमिंग पूल वगैरह भी अगर है तो भी मैं कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट में इस कलर को टचअप देने की जरूर कोशिश करनी जी। अगर हमारा रेड कलर है, दैट इज जिसको आप कह सकते हैं कि साउथ की तरफ वहां पे लेके जाएंगे, तो वहां पे अगर आप कुछ नहीं कर सकते, हमारा बैक यार्ड है, तो रेड कलर के स्टोन्स को, ब्रिक्स हैं जो बड़े बड़े स्टोन्स हैं, पत्थर है, आप उनको भी पेंट करके लगा सकते हैं। या अगर आप वुडन फेंसिंग कर रहे हैं तो पर्टिकुलर साउथ की वॉल के ऊपर में, या वेस्ट जो वॉल जा रही है उस वॉल के ऊपर में रेड या येलो कलर की फेंसिंग को भी पेंट किया जा सकता है जी, उसके हिसाब से। नेक्स्ट अगर आप देखें कि
स्पेशल फॉर बच्चों के लिए, ये मैं जरूर बताना चाहूंगी। बच्चों के साथ साथ में ये भी याद रखें कि कभी भी घर में बाथरूम को, खासकर बाथरूम को कोई भी ब्लैक या रेड कलर नहीं दें, ना कि टाइल्स का कलर दें, ना वहां पे पेंट करें, ना ही ब्लैक और कलर का आप रखें उनका डोर मैट्स रखते हैं, शॉवर कर्टन लगा देते हैं, कुछ नहीं। वो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी देखी है मैंने, बहुत ही ज्यादा। और स्पेशल बच्चों के लिए अगर आप लेना चाहते हैं, स्टडीज के लिए लें, तो बच्चों को स्टडी रूम के लिए जरूर सी ग्रीन कलर का वॉल पे कलर जरूर दीजिए। वो उनको एक ड्राइविंग फोर्स देता है, एक राइजिंग की देता है, स्टेबिलिटी देता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोटस यूज कर सकते हैं, एमिथिस्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के रूम के लिए हम सी ग्रीन यूज करना चाहते हैं, सी ग्रीन को यूज करें, क्योंकि जो बच्चों को जो कलर्स है ना, आप ये कह सकते हैं सबकॉन्शियसली इट अफेक्ट्स बच्चों के रूम के लिए। और जो इनके कलर के आते हैं, जो अगर ब्राइट कलर, बहुत ज्यादा ब्राइट कलर होगा, जिसको कह सकते हैं कि बोल्ड येलो या फायर रेड या सनी ऑरेंज, ये इनको ज्यादा ओवरऑल कॉन्फिडेंट बना देता है बच्चों को, जिससे बच्चों अपना प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं कर सकते। तो व्हाट वी हैव टू गिव, वी हैव टू गिव देम दिस कलर्स, बट इन अ वेरी लो मैनर, इन अ वेरी सॉफ्ट कलर्स के बीच में आपको देखेंगे। क्योंकि अगर खासतौर पर बच्चों ने जिस तरफ पढ़ना है, पढ़ने की स्टडी टेबल में भी अगर आपने कहीं ब्लैक कलर का टेबल दिया है, तो वो आपको हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो आप क्या करेंगे, स्टडी टेबल है उसके ऊपर में आप व्हाइट कलर का कुछ कपड़ा रख सकते हैं, या सी ग्रीन का भी कपड़ा रख सकते हैं बच्चों के स्टडीज रूम के लिए। सो बच्चों के लिए स्पेशल मैं यही कहना चाहती हूँ, यू कैन गो फॉर लाइट ब्लू कलर और लाइट सी ग्रीन कलर। और कहीं भी अगर आप देखते हैं कि छोटे बच्चे हैं, तो फॉर बॉयज यू कैन गो फॉर द लाइट ब्लू कलर, तो आप बच्चा नॉर्थ में भी सो रहा है उस रूम को यूज कर सकता है। लेकिन अगर बच्चों को आप साउथ वेस्ट में कहीं सुला रहे हैं, तो वहां ब्लू कलर यूज कर रहे हैं, तो दैट इज टोटली रॉन्ग जी। और न्यूली जिस बच्चों को आप कई बार देखते हैं कि शादी में डिले हो रही है, खासकर बॉयज की अगर आए, तो बॉयज के कलर में बेडरूम के बीच में अगर आप लाइट ब्राउन कलर का अर्थ कलर देंगे, तो उनकी मैरिज की बहुत जल्दी प्रपोजल आती है। लेकिन अगर गर्ल्स का है, तो उनके रूम को अगर आप उनकी जिस तरफ सर है, स्पेशल नॉर्थ वेस्ट में उन्हें सुलाइए, सर की तरफ में अगर आप उनको पिंक या पर्पल टोन देते हैं, तो उनकी शादी का बहुत ही जल्दी फायदा होता है, क्योंकि ये हमारे को प्रॉपर वहां की एनर्जी देता है जी। सो दीज things you have to keep in your mind while going for the colors, and special for the bedroom मैं एक बार फिर बताना चाहूंगी कि जर्नल अगर आप देखते हैं, पिंक इज वेरी गुड फॉर द मास्टर बेडरूम, एंड यू कैन गो फॉर येलो कलर, बेज कलर, दीज कलर्स आर वेरी गुड फॉर द यू कैन से बेडरूम के लिए। लेकिन जो हमारा लिविंग रूम है, दैट शुड बी इन वेरी जॉयफुल कलर्स होने चाहिए, उसका शेड जो पैटर्न है लिविंग रूम पे, क्योंकि वो एक जगह है जहां अगर आप सपने वहां बैठना ही बैठना है, तो अगर वहां पर आप लाइट येलो कलर, लाइट ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, एज डायरेक्शन ऑफ द हॉल, याद रखें एज पर डायरेक्शन ऑफ द हॉल, मीन्स की इफ यू आर स्टैंडिंग एट द एंट्रेंस डोर, सॉरी स्टैंडर्ड, I'm sorry. If you're standing at the center of your hall and you have looking outside, then you have to find out कि आपका जो living hall है वो किस तरफ आ किस रहा तरफ है। तो उसी के मुताबिक आप उनको light से light colors देने की कोशिश कीजिए। Meditation room आता है, spiritual करने के लिए आता है, वहां पर मैं हमेशा कहती हूँ कि go for something of very purity, या तो आप light white ले लीजिए या light yellow color, जो आप स्पिरिचुअली की तरफ आपको जोड़े। लेकिन डार्क रेड कलर कहीं पे भी मत दीजिए, यू कैन गो फॉर द सेफ्रन शेड ऑल्सो, पर्टिकुलर ऑन द नॉर्थ ईस्ट वॉल। अगर आपका स्टडी का रूम है, या बच्चों के लिए लाइब्रेरी है, कुछ भी कलर है, तो वहां के लिए भी आप कोई ना कोई पेल ब्लू कलर या लाइट ग्रीन कलर भी वहां स्टडी टेबल के पास में जो स्टडी बुक्स रखते हैं आप उनके लाइब्रेरी रूम में, उसको यूज कर सकते हैं। डाइनिंग एरिया के लिए हम हमेशा एडवाइज करते हैं ग्रीन और ब्लू, दैट इज द बेस्ट। ऑलवेज अवॉइड ब्लैक एंड व्हाइट, कभी भी नहीं रखें ब्लैक एंड जी, बिल्कुल अवॉइड करिए ब्लैक को। किचन के लिए बेस्ट लेते हैं द लाइट येलो, सॉफ्ट येलो का ले लीजिए, और यू कैन गो फॉर द लाइट जस्ट एक अनियन शेड, देखा ना कभी रेड कलर में आ जाता है अनियन शेड, मूव जैसा प्याजी कलर, प्याजी कलर का होता है, यू कैन गो दैट फॉर दैट ऑल्सो इन आवर किचन। और पर्टिकुलर जहां कुकिंग स्टोव है, जहां कुकिंग स्टोव खाना बना रहे हैं, बिल्कुल उसके पीछे की वॉल के ऊपर में, अगर वो आपकी किसी वजह से ईस्ट नहीं है या साउथ ईस्ट नहीं, साउथ की तरफ आ रही है, तो उतने पोर्शन को भी अगर आप हल्का सा येलो पेंट करेंगे, तो आप साउथ ईस्ट की एनर्जी को पूरा पा सकते हैं। और अगर कहीं आप नॉर्थ वेस्ट में है और नॉर्थ की तरफ करके खाना बना रही है, या वेस्ट की तरफ, तो तब आप
तीन येलो लाइंस भी अगर आप कुकिंग स्टोव के पास लगाएंगे तो आप उस एनर्जी को पूरा बैलेंस कर सकते हैं जी। और बाथरूम का तो मैंने आपको बता ही दिया कि यू हैव टू अवॉइड, यू कैन गो फॉर लाइट शेड्स जैसे कि व्हाइट लेके साथ साथ में लाइट ग्रे, बट अवॉइड ब्लैक, पेस्टल कलर्स को लीजिए, अवॉइड ब्लैक कलर एंड द रेड कलर। सो दीज आर द सिंपल कलर्स विच रियली हेल्प्स अस अपनी पूरी लाइफ के लिए, अपने घर के लिए ये जो विबजोर है इसी को अपने लाइफ में लाइए। तो वही है कि जब आप नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं तो मैं यही रिपीट करूंगी कि राइट आपका डार्क टोन्स में आएगा, लेफ्ट आपका ठंडे लाइट टोन्स में आएगा साइंटिफिकली, क्योंकि जैसे सन की मूवमेंट होती है तो गर्मैश होती है तो हमारे को डार्क कलर्स चाहिए, जब ठंडक शाम होती है तो हमारे को लाइट कलर्स चाहिए। रेवा जी, इट वॉज अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग सेशन जो आपने आज बताया, इतना नहीं सोचा था किसी ने, बट ये साइंटिफिकली आपने जैसे बताया लास्ट में कि जैसे जैसे सन की मूवमेंट होती है वैसे वैसे कलर्स चेंज होते हैं, और इनफैक्ट हम लोग शाम को अगर कभी बीच की साइड चले जाएं तो देखते हैं कि एक तरफ सब लाल हो रहा है आसमान, एक तरफ नीला हो रहा है आसमान, वेरी गुड टू लुक एट। तो रेवा जी, वी हैव आर कॉलर्स जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, तो हम कहें तो कॉल लाइन्स ओपन करें। जी बिल्कुल। ऑल राइट लिसनर्स, तो हम कॉल लाइन सब ओपन करते हैं, आप फोन कर सकते हैं रेवा जी से, प्लीज आस्क वन क्वेश्चन पर कॉलर। अपना बैकग्राउंड में रेडियो बंद कर दें, एक पेन और पेपर रेडी रखें ताकि रेवा जी जो भी आपको रेमेडी बता रहे हैं, जो भी सॉल्यूशंस बता रहे हैं वो आप साथ साथ लिख सकें। एंड इफ यू आर अनेबल टू कॉल ऑन द स्टूडियो नंबर राइट नाउ, आप रेवा जी से शो के बाद में डायरेक्टली उनके सेल पे फोन कर सकते हैं। रेवा जी लेते हैं पहला कॉल। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी, कैन यू हेयर अस? आई विल हैव टू ड्रॉप दैट कॉल रेवा जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉलर। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो, हाँ जी, प्लीज गो अहेड, व्हाट इज योर नेम एंड व्हाट इज योर क्वेश्चन? या माय नेम इज मोनिका एंड माय क्वेश्चन इज अबाउट लाइक माय हाउस इज ईस्ट फेसिंग एंड किचन इज इन साउथ ईस्ट, बट व्हेन आई लाइक मैं जब कुक करती हूँ माय गैस व्हेन आई फेस वर्ड्स साउथ, तो वो ठीक है या उसके लिए क्या करना है, मुझे वो पूछना था। जी हाँ मोनिका जी, अगर हमारा घर ईस्ट फेसिंग है दैट्स वेरी गुड। अब यहाँ पर है कि वाइल्ड कुकिंग द किचन इज इन द साउथ ईस्ट, दैट्स ऑल्सो वेरी गुड। सिर्फ एक ही है कि आप खाना बनाते टाइम समय आप साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं, जब आप साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं तो जो वाटर सिंक है वो नॉर्थ में आ रहा है या ईस्ट में आ रहा है? वाटर सिंक मेरा ईस्ट में है। ईस्ट में है, मीन्स कि आपका एल शेप में किचन का सेवन की शेप लगा लीजिए, सेवन की शेप में किचन है, स्क्वायर है पूरा एकदम जी। हाँ, एल शेप में, मतलब मैं जब मतलब मेरा सिंक है वो तब नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही है, आई एम फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट, लेकिन खाना बनाती हूँ तब और मेरे बैक में फ्रिज है। आपके बैक में फ्रिज आ रहा है, मतलब कि नॉर्थ की तरफ फ्रिज है और साउथ की तरफ आप खाना बना रही है। हाँ जी। आपको मैं एक रेमेडी आपको ये देना चाहूंगी कि अगर आप चाहें तो आप कुकिंग स्टोव के पास, क्योंकि अगर साउथ की तरफ खाना बनाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम खासकर फीमेल्स को ही प्रॉब्लम होती है, कोई ना कोई हेल्थ इश्यू के साथ रहता है ये, और कोई स्ट्रेस नहीं रहता, हेल्थ से जुड़ा कोई ना कोई स्ट्रेस रहता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि या तो आप वहां से एक हमारा डिवाइन डिस्क बना के देती हूं मैम, जो आप साउथ की वॉल पे लगा सकते हैं कुकिंग स्टोव के बिल्कुल ऊपर, टू शिफ्ट द एनर्जी को फॉर्मेट कर देते हैं ईस्ट की तरफ में, ताकि आप वहां की पूरी सनलाइट एनर्जी से फायदा उठा सकें। सेकेंडली फॉर अ टाइमिंग मैं आपको एक और रेमेडी देना चाहूंगी कि एटलीस्ट खाना बनाते से अगर आप थोड़ा सा डायगनली भी खड़ी होती हैं, मींस कि यू आर फेसिंग टुवर्ड्स द ईस्ट, वो भी अच्छा है। इसके साथ साथ आप अगर हिंदू रिलीजन के साथ में भी हैं, क्योंकि वास्तु ऐसा नहीं, इट्स नथिंग रिलेटेड विद द हिंदू रिलीजन, सभी लोगों के लिए है, लेकिन किसी कारण में अगर आप सोचते हैं कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो तो बिल्कुल आपके पीछे जहां पर फ्रिज आ रहा है आप उस फ्रिज के ऊपर या उस फ्रिज के पास में अगर आपको कोई पास में ही कोई वॉल मिलती है तो वहां पर आप हनुमान जी की जानते कौन सा वाला पिक्चर जो उन्होंने, हनुमान जी की कौन सी वाली पिक्चर, गदा उठाई हुई हो उन्होंने, अच्छा अगर गदा लेके वो बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं तो वो वाला पिक्चर आप वहां पे लगा लीजिए, दैट विल हेल्प यू नॉट। तो वॉल पे लगाऊं कि मैं मैग्नेट बना के फ्रिज के ऊपर? बिल्कुल लगा सकते हैं आप, मैग्नेट लगा के फ्रिज पे भी लगा सकते हैं या जहाँ पे फ्रिज के पास में जो वॉल का कॉर्नर कहीं मिले, मतलब कि बिल्कुल आपकी बैक पे आनी चाहिए, उसका रीजन यह है दैट यू आर गेटिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम देम। अच्छा
ओके, तो दैट विल हेल्प यू। और साथ जो ईस्ट कुकिंग स्टोव के पीछे जो वॉल है, जैसे आप साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं, तो अगर आप जैसे अभी हम बात कर रहे थे, अगर वहां पे हल्का येलो पेंट कर दें, या पर्टिकुलर उतना पोर्शन भी अगर हल्का आप कह सकते हैं कि जैसे क्ले का पीछे लगा नहीं देते, फ्रेम लगा देते, जैसे कई लोग टाइल्स भी लगाते हैं कि गंदा नहीं हो खाना बनाते वक्त, तो अगर आप वहां पे, मेरा वो पूरा एक्चुअली टाइल्स ही है, कौन से कलर का टाइल्स है उसमें, येलोइश लाइक क्रीमिश, और थोड़ा सा जैसे थोड़ा सा हल्का हल्का ब्राउन ब्लैक वो है, अगर ब्लैक का, अगर ब्लैक, हाँ उसको ब्राउन और ब्लैक के बदले में अगर आप वहाँ पे हल्का पिंक कलर दे देते हैं, या हल्का जैसे येलो है, हल्का व्हाइट है, वो अच्छा रहेगा, मिक्स भी रहेगा। ब्लैक बहुत हल्का हल्का है, मोजैक का नहीं होता, सब तरह के कलर होते हैं थोड़े से, उसमें ब्लैक बहुत कम है, ब्राउन येलो इश कलर का है, येलो इज वेरी गुड, अगर लाइट पिंक येलो व्हाइट तीनों कलर चलेंगे, लेकिन इसके साथ ही आप बिल्कुल अपनी बैक साइड पे जहाँ फ्रिज के पास में वहाँ रखें। अब क्या करेंगे इसके साथ ही, क्योंकि नॉर्थ की तरफ अब आपका फ्रिज आ गया है, नॉर्थ इज रिलेटिव विथ योर करियर, क्योंकि खाना हेल्थ के साथ साथ में मैं नहीं चाहती कि कोई आपके जॉब या कोई करियर से जुड़ा हो, तो आपने क्या करना है, फ्रिज के ऊपर जहाँ नॉर्थ है ना, वहाँ पर साबुत वाला धनिया, जो कोरिएंडर सीड्स होते हैं आप खाना बनाने के टाइम यूज करते हैं, उन्हें किसी भी बॉटल में डाल के उसको वहाँ पे रख दीजिए ऊपर। अच्छा, तो देट विल हेल्प यू लॉट डियर। अच्छा, तो वैसे फ्रिज कहाँ होना चाहिए, नॉर्थ? फ्रिज वैसे देखिए ना, फ्रिज नॉर्थ में नहीं होना चाहिए। अच्छा, नॉर्थ में नहीं होना चाहिए, फ्रिज की जगह साउथ ईस्ट में आ जाती है, साउथ की तरफ आ जाती है, लेकिन नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। ओके, अच्छा जी। और ऊपर मेरे मतलब गैस के ऊपर ही माइक्रोवेव है, हाँ दैट इज ओके, दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो तो साउथ की तरफ ही आ गया। अच्छा, तो मैं अगर कुछ येलो कलर का पेपर या कुछ ऐसे लाइंस बना दूं जी, इसमें नहीं आपकी जरूरत नहीं है, अगर आपका किचन नॉर्थ वेस्ट की तरफ होता तो मैं आपको लाइन रेकमेंड करती, इसमें कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, सिर्फ हनुमान जी का मैं फोटो लगा दीजिएगा बिल्कुल, और फ्रिज के ऊपर धनिया के मतलब डिब्बे में मैं बंद करके किसी में रख दीजिए, और सिंक ठीक है, सिंक मेरा ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट में हो, दैट इज ओके। अच्छा, और एंट्रेंस तो वही ठीक। अब बच्चों का बेडरूम जो है मेरा बिल्कुल उसमें है, यू नो मैडम, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, आई एम रियली सॉरी टू इंटरप्ट, वी यूजुअली अलाउ ओनली वन कॉल, वन क्वेश्चन पर कॉलर, यू कैन ईदर कॉल अगेन और यू कैन ऑल्सो कॉल रेवा जी आफ्टर द शो। थैंक यू सो मच, ओके, थैंक यू वेरी मच, एंड यू कैन कॉल रेवा जी आफ्टर द शो ऑन 510-868-3338। आई एम वेरी सॉरी कॉलर्स, मैं आपसे माफी चाहती हूँ कि समय हमारा कम था, मैं आपकी कॉल्स नहीं ले पाई जी रेवा जी, क्योंकि कॉल्स तो काफी आ रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली वी विल बी अनएबल टू टेक दोज कॉल्स, हमें हमारा रैफल भी करना है आज का, सो बट इफ यू नो वंस अगेन लिसनर्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जो आप रेवा जी से पूछना चाहते हो, आप स्टूडियो नंबर तो फिर भी दे देती हूँ, 5107701550, दैट इज द स्टूडियो नंबर 5107701550, लेकिन अगर आप रेवा जी से शो के बाद अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं या डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो रेवा जी का फोन नंबर रहेगा 5108683338, 5108683338, आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं divineavc, Divine, D-I-V-I-N-E, Divine, A for Apple, V for Victor, C for Charlie, @gmail.com. या फिर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन लॉग ऑन टू divinevastu.net। रेवा जी, बहुत कॉल्स आ रही हैं, कॉल्स आ रही हैं, लेट्स जस्ट टेक वन मोर कॉल। चलिए, हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो, ये कॉल शायद उनको नहीं सुनाई दे रही होगी, बट लिसनर, इफ यू स्टिल ट्यून्ड इन, प्लीज डू कॉल अस बैक, और कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। रेवा जी, आजकल रैफल शुरू करते हैं और उसके बीच में इफ समबडी वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन, मे बी दैट्स देयर लकी चांस। तो रेवा जी, आप इतना कलर्स के बारे में बात कर रही थी, तो आज का रैफल क्वेश्चन क्या रखना चाहेंगे? बहुत ही इजी है, द मीनिंग ऑफ विप जो। रेवा जी, ये तो बहुत आसान है, कोई बात नहीं, आसान भी होना चाहिए, होली का दिन है ना। ओह माय गॉड, मतलब लिसनर्स, दिस इज अ लकी चांस। रेवा जी पूछ रही है विप जोर का मतलब क्या होता है, हमारे दो बहुत ही यू नो वी हैव वन रियली इंटरेस्टिंग प्राइज, वी हैव जो हमारे विनर होंगे उन्हें हमारे स्पॉन्सर्स जो रॉयल राइस है उनकी तरफ से एक बैग मिलेगा, सो वी हैव टू विनर्स हु विल गेट टू बैग्स ऑफ नो वन बैग ऑफ रॉयल राइस ईच, एक आपका गुजराती शो का टिकट। ठीक है भाई, आज तो मतलब क्या कहूँ मैं, दोनों हाथ से बटोरते हैं। चलिए बात करते हैं हमारे आज के पहले कॉलर से। हेलो, यू आर ऑन एयर, व्हाट्स योर नेम एंड व्हाट्स योर आंसर? हाय, माय नेम इज भैरवी फ्रॉम फ्रीमॉन्ट। हाय भैरवी, व्हाट्स योर आंसर?
With your is the seven colors, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. All right, Bhairavi, thank you for calling in. Stay tuned. Hello, you're on air with Revaji. Hi, I just purchased a house in a mountain house. My house is facing in the north. When I enter, so I face the south. So my kitchen located in like center of the house. If I stand in the kitchen is like a right hand side and left hand side is like a cabin. Mm-hmm. And I just want to know, you know, what kind of color in the living room or all the bedroom is upstairs, master bedroom, end of the house. Mm-hmm. It's like, how can we call that? Should be in the south. North? Should be south? You're entering from the north direction? Yeah, when I enter the house, my face is to north house facing south. Okay, it is facing towards south. Can you do one thing, because the time is very less with us, it is already going to be for that trivia raffle. Can you email me your question? I will reply you. Otherwise, for the color, it's the best advice if you just email me your date of birth, because for the colors, we have to see the date of birth also, which element and the zodiac sign. General, if your house is facing towards the north and the south, you are having your living room, you can go for any light soft color, that is beige color also. No, house is facing like a south. House is facing this. When I enter the house, I face north. Then you're entering the inside. When you're entering living room. Living room is in the north. Living room is like at the entry. You can go for any soft color, that is a sea green color, light blue color, light sea green color. That's good for that. And what about the kitchen? Kitchen is like the center of the house. Meri aapse. Madam, you know, seriously, I mean, sorry to interrupt you here, but humara raffle chal raha hai, and you know, just because you called, we honored your call and answered, you know, Revaji answered your question. But really, if you have any more questions to ask her, please call her after the show. You can speak to her in detail or fix up an appointment. Okay? Okay. Thank you very much for calling. You can call Revaji on 510-868-3338. Revaji, moving on to our next caller. Hello, you are on air with Revaji. Hello, my name is Sindhu. I'm talking from Cupertino. Yes, tell me. And Vibgeor means violet, those are the seven colors of the rainbow. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. All right. Thank you very much for calling in, Sindhuji. Stay tuned. Hello, you are on air with Revaji. Hi, this is Neha from Sunnyvale. Yes, Neha. And Vibgeor means it's like seven colors of rainbow. It's violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. All right. So, Neha, thank you so much for calling. Stay tuned, you too. I'm sure okay, nobody's going for the Googles, huh? रेवा जी, मैंने कहा था ये बहुत आसान सवाल आपने पूछा है. आई एम श्योर एवरीबडी नोज इट. हेलो, यू आर कॉल्ड ऑन एयर विद रेवा जी. हाय, माय नेम इज रिंकू फ्रॉम फ्रीमॉन्ट. हाय रिंकू, टेल मी. इट्स सेवन कलर्स, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. वाओ, ऑलराइट रिंकू, थैंक यू फॉर कॉलिंग इन. हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी. हेलो, मेरा नाम महेश है, अलामीडा से कॉल कर रहा हूँ. यस महेश जी. विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच. व्हाट्स योर नेम अगेन? यू सेड महेश फ्रॉम अलामीडा, राइट? थैंक यू फॉर कॉलिंग इन. हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी. हाय, दिस इज प्रियंका. यस प्रियंका. एंड विबग्योर इज द कलर सीक्वेंस ऑफ द रेनबो, इज violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. Priyanka, where are you calling from? Dublin. Alright, thank you very much for calling in. Hello, you are on air with Revaji. Hi, my name is Sama. Yes, Sama. It's the rainbow colors, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. Alright, Sama, where are you calling from? Fremont. Fremont, thank you for calling in. Stay tuned. Hello, you are on air with Revaji. Hi, Ira. I'm Neeta, calling from Walnut Creek. Hello, Neeta ji. Bataiye. Yeah, Vibgeor is the color of rainbow. G. It's V violet, I indigo, B blue, G green, Y yellow, O orange, and R for red. Okay. Yeah. So, thank you very much for calling in, Neeta ji. Thank you for your answers. Stay tuned. Revaji, let's take this one last caller. Hello, you are on air with Revaji. Hello,
Hello. Hello, you are on air with Reva ji. Hi, the correct answer is the seven colors of the rainbow. Okay, so... Do you have to name the colors? Yes, please. Red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. All right, this is the was in reverse order. Okay, what's your name and where are you calling from, sir? My name is Rumit and I'm calling from San Jose. Rumit calling from San Jose. Thank you so much, Rumit. Thank you for calling in. So, Reva ji, हमारे पास में काफी सारे लोगों ने फोन किया. Rumit was different. He named it in the reverse order. लोगों को Vibgyor sound याद रहता है. He started from red. But anyway, whatever works. So, we have a lot of callers. और Reva ji, सही जवाब किसने दिया? जवाब के लिए तो मैं सबके लिए मैं बताऊंगी कि किसने दिया, लेकिन इससे पहले मैं एक बार अपने सभी लिसनर्स से ये भी जरूर जानना चाहूंगी कि आप मुझे ये जरूर बताइए, अभी भी मेरे पास कुछ समय है, आप जो भी हैं इनमें से जिन्होंने भी मुझे कॉल्स किया था, भैरवी, सिंधु, नेहा, रिंकू, महेश, प्रियंका, सेमा, नीतू एंड रोमेट, अगर आपका ही कॉल लग जाता है तो मुझे आप ये भी अब जवाब दीजिए कि आप में से किसने इसको फॉलोअप किया है, क्या आपने ये कलर्स अपने घर में, अपनी ड्वेलिंग, अपने बिजनेस में लेकर आए हैं जी, एंड इज इट बेनिफिटेड टू यू आर नॉट, क्योंकि ये नहीं है कि मैंने ये आज आपसे ये शो शेयर किया है, हो सकता है जो मेरे नए लिसनर्स हों उन्होंने पहली बार सुना हो, लेकिन ये पहले भी मैंने कई बार शो किया है, तो क्या ये कलर्स आप अपनी ड्वेलिंग में, अपनी प्रॉपर्टी में लेकर आए हैं कि नहीं लेकर आए, और क्या फायदा हुआ है, तो मैं जरूर चाहूंगी कि इनमें से जो भी है मुझे जरूर जवाब दें. ठीक है रेवा जी, वी हैव अ कॉलर, लेट्स सी ये नए कॉलर हैं या इन्हीं में से कोई कॉल है. द कॉल गॉट ड्रॉप, बट लिसनर इफ यू आर स्टिल ट्यून्ड इन, खास करके हमारे जो जितने भी कॉलर्स थे जिन्होंने रैफल में पार्टिसिपेट किया, प्लीज डू कॉल अस एंड लेट अस नो कि आपके ड्वेलिंग में, आपके घर में, ऑफिस में, वर्क प्लेस में आपने ये कलर्स अगर अप्लाई करे हैं, आपने फॉलो करा है इसको, तो क्या आपको फायदा हुआ है, और हुआ है तो क्या हुआ है, क्योंकि विप जोर है, आपको ये कलर्स लेकर क्या क्या फायदा होता है, क्योंकि यही कलर्स हमारी सभी डायरेक्शंस के साथ हैं. जी रेवा जी, आई थिंक somebody is trying to गेट इन टच, बट देन बिफोर आई आंसर दे डिस्कनेक्ट. हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी. हेलो हेलो जी, मेरा नाम महेश है. यस महेश जी, ब्लू कलर मेरे लिए बहुत फायदेमंद था, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट ब्लू अच्छी पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है. और इन महेश जी, ये ब्लू कलर आपने किस डायरेक्शन में किया था, अपना घर में किया था? किस तरफ है? मेरा है ईस्ट कलर में है, ईस्ट कलर ईस्ट की साइड है. नेक्स्ट लेते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन महेश जी. हेलो, ये वही कॉलर हैं जो हु इज ट्राइंग टू गेट इन टच, लेकिन उनकी कॉल नहीं लग पा रही है शायद. प्लीज डू कॉल अस बैक, लेट्स सी व्हाट दे हैव टू से. हेलो, यू आर ऑन एयर, प्लीज व्हाट्स योर नेम? हाय, माय नेम इज रुमित. यस रुमित, या सो एक्चुअली आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, सो आई यूज्ड टू नॉट बिलीव इन वास्तु, बट आई हैव बीन फॉलोइंग रेवा जी लाइक in 6 months or so. Okay. I don't really follow the colors, but I usually keep blue, white and black because they are my favorite, and I've heard from my mother that blue and white are my lucky colors, so I usually keep these two colors around me. So, yeah. And which direction you are using this blue and white, roommate? I use it like wherever possible, like starting from my clothes, my car, my phone cover. So he is using these in his Rumit ji is using these in his daily life, not really any one particular direction. He is surrounding himself with these colors. Yeah, that's nice to know. I like these colors. If I'm surrounded by these two colors, I usually like it. Okay, thank you Rumit. Thank you for calling in Rumit ji. Let's move on, let's see what the next caller has to say. Hello, you are on air with Reva ji. What's your name? Arnab Desai, Santa Rosa. Yes, sir. Vibgyor is a violet, indigo, blue, green, orange, red. Right. Thank you very much for calling in. Ji Anuj ji. And everyone has a little god in their heart. So we feel difference with the color. Our mood affects the color, so it should affect. That's good. You are right, Mohan. And energy. Holi is nearby, and when we play Holi, we feel a different.
वेल थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। रेवा जी कॉल्स का सिलसिला अब हम यहीं रोकते हैं क्योंकि हमारे पास में अप्रोक्सीमेटली 4 मिनट और हैं। आप रैफल भी करवा लीजिए तब तक मैं हमारे स्पॉन्सर्स को थैंक कर देती हूँ। बिल्कुल करेंगे। और जो आपने जिन्होंने भी हमने सबने जवाब दिया आपका आंसर बिल्कुल सही था, लेकिन आप इन कलर को जिसको विप जोड़ को है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कलर्स को आप अपने घर पे लाने की कोशिश कीजिए। जैसे रुमेश जी आपने बताया कि आप ब्लू, अब ब्लू आप वैसे नॉर्थ की तरफ में अगर आपका क्लोजेट है अगर वहां रख रहे हैं तो वो आपको फायदा देगा, लेकिन कहीं पे अगर आप ये ब्लू कलर साउथ की वॉल पे या साउथ वेस्ट वॉल पे लगा देंगे तो वहां पे ये हमारे कई बार नुकसान भी देता है। नुकसान कैसा लेकर आता है? पैसे से जुड़ा नुकसान लेकर आता है, या कई बार हमारे को गले से, खांसी से, कफ कोल्ड, ऐसी भी एलर्जीज बहुत ज्यादा लेकर आती है। मोस्ट ऑफ द हाउस वेयर वी गेट दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स स्किन इन्फेक्शन है या स्किन एलर्जीज होती है या कई बार बॉडी में इचिंग होता है तो वहां पर होता है। अगर हमने ब्लू पेंट को कहीं पे भी साउथ वॉल पे कर दिया हो तो इसकी तरफ आप जरूर ध्यान दीजिए। जिन्होंने हमारे को कॉल किया था आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका आंसर सही था। लेकिन आज के जो विनर हैं, एक विनर है हमारे साथ जिन्होंने बिल्कुल विन किया है, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी हम कहीं पे पार्शियलिटी नहीं करते, रेफल होता है जिसमें वाकई ही रुमेत का नाम ही निकला है। अरे वाह जी हाँ, इनको दिया जाता है रॉयल राइस पैक दिया जाता है। सेकंड विनर हमारी भैरवी निकली है फ्री मॉन से, जिन्हें टिकट दिया जाता है गुजराती राइट सो गुजराती शो के बारे में मैं बता दूं, भैरवी ने जीता है जो इट इज अ गुजराती प्ले जय एंटरटेनमेंट और ट्रिपल एंटरटेनमेंट लेके आए हैं आपके लिए। किंग ऑफ कॉमेडी सिद्धार्थ रांदेरिया का ये प्ले गुज्जू भाई बनिया दबंग, और दिस इज हैपनिंग ऑन मार्च 6th विच इज अ फ्राइडे एट शबो कॉलेज शाम को 7:30 बजे से। और टिकट्स कलेक्ट करने के लिए भैरवी सेंड मी एन ईमेल ira@radiozindagi.com। और रुमित यू आल्सो कांग्रेचुलेशंस, यू हैव वन योरसेल्फ अ बैग ऑफ रॉयल राइस जो कि हमारे स्पॉन्सर हैं जिनके बिना ये पॉसिबल नहीं था। प्लीज सेंड मी एन ईमेल ira@radiozindagi.com। रेवा जी हमारे पास करीब 1.5 मिनट और है, क्विकली जाते जाते आज एनी पार्टिंग वर्ड्स आज का शो खत्म होने से पहले? हेलो जी रेवा जी जी ओके तो लुक्स लाइक इसमें यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रही है, बट कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ रेवा जी, यू नो शी वांट्स टू से, लेकिन आई थिंक दिस सम प्रॉब्लम। बट रेवा जी का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में है और होली की शुभकामना भी रेवा जी हमें देती हैं। जी हाँ, सभी लिसनर्स को रेडियो जिंदगी की तरफ से और वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु एस्ट्रोलॉजी की तरफ से आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और यही इंद्रधनुषी, यही सात रंग आपके जीवन में हमेशा भरे रहे। यह नहीं कि आपके घर की दीवारों पे, आपके जीवन में भी इसी तरह ये सात रंग इंद्रधनुष आपके जीवन में सफलता लेकर आए। वंस अगेन विश यू वेरी वेरी हैप्पी होली। ऑलराइट सो दैट वाज रेवा जी, सो वी हैव रेवा जी फ्रॉम डिवाइन वास्तु हु हैज अ पीएचडी इन वास्तु। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था 30 साल से ज्यादा का अनुभव रेवा जी रखती हैं इस साइंस में, इस फील्ड में, और अगर आप उनकी एक्सपर्टीज, उनकी इस नॉलेज का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली रेवा जी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 5108683338 पे, 5108683338। यू कैन ऑल्सो सेंड हर एन ईमेल एट divineavc, ए फॉर एप्पल, वी फॉर विक्टर, सी फॉर चार्ली, divineavc@gmail.com, या फिर यू लॉग ऑन टू divinevastu.net फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। रेवा जी वहां एक ब्लॉग मेंटेन करती हैं, जो भी चीजें वो इस शो पे बताती हैं, जो भी बातें आपसे शेयर करती हैं वो जाके आगे she puts it on her blog, and in case you want to go back and refer to it again, aap log on kar sakte hain divinevastu.net। ab aap se lete hain vida, hum milenge aap se agle hafte Thursday 2-3 baje ke beech mein, Ritesh Kumar ji ko leke aayenge aur 3-4 baje ke beech mein aayenge hamare sath, wapas judenge Reva ji, tab tak ke liye jai mata di, jai mata di। pehle zindagi aisi nahi thi par ab sab kuch badal gaya hai, mera beta एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, मेरी बहू और बच्चे बहुत खुश है, और रितु और मैं आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हमें जिंदगी से और क्या चाहिए? थैंक्स टू रेवा जी ऑफ डिवाइन वास्तु। विजिट divinevastu.net। डॉक्टर रेवा कुमार, योर वास्तु स्पेशलिस्ट।